बेड का जो अभी अभी जन्म हुआ जस्ट, ये छोटा सा है। वेलकम टू माई न्यू ब्लॉग। तो कहने का मतलब ये है कि मैं इस समय आया हूँ अपने गाँव में, और ये गाँव माई फर्स्ट प्लेस ब्लॉग गाँव का रहेगा, क्योंकि मैं काफ़ी करके ज़्यादातर शहर का ही वीडियो देता आप था सभी को, आप सभी को। और आज मेरा ये पहला ब्लॉग ऐसा रहेगा कि जो कि गांव का है, मतलब एक गांव, मतलब एक बड़ोदरा पड़ता, बड़ोदरा सॉरी यार, बड़ोदरा में था तो बड़ोदरा का ही नाम आता है। तो मैं था अयोध्या में, तो अयोध्या के बगल में पड़ता है यहाँ पर, क्या नाम है, एक कटरा पड़ता है, वहाँ से लगभग 4-5 किलोमीटर दूर पर पड़ता है कटरा पड़ता है, जिससे कि वहाँ से आप सीधा आओगे तो यहीं पे मेरा घर पड़ता है कटरा। और मेरा नाम है सियोम सागर, क्योंकि मुझे गांव के लोग सियोम सागर से ही पहचानते हैं। और कहने का मतलब ये है, और ये सब यहाँ पे जितने लोग आते हैं सब भेड़ चराने के लिए आते हैं। और भेड़ का जो अभी अभी जन्म हुआ जस्ट, ये छोटा सा है, बहुत प्यारा सा है उसको, मतलब अपने ऐसा एक होता ना बच्चा, बच्चे से प्यार कर रही है, अजीब से उसको ऐसे लाल लाल कर रही है, मतलब उसका जो लगा रहता खून, तो वही जो है सफ़ा कर रही है ना। एक वो पेड़ देख रहे हैं आप, एक वो पेड़ देख रहे हैं, ये तीसरा पेड़, मतलब ये तीनों का तीनों, इसमें लगभग 5 लोग का हिस्सा लगेगा, जो कि हमारे मतलब काफ़ी लोग हैं उसमें, 5 लोग में कई लोग जुड़ते हैं हमारे घर के लोग, अभी आप सब घर वाले को भी नहीं जानते होंगे। अभी मैं घर वाले का ब्लॉग भी दिया भी नहीं हूँ, अभी आगे दूंगा आप सभी को। तो कहने का मतलब ये है गाइस कि इस जो ये पिच है, इस पिच से मतलब बहुत कुछ मेरी यादें जुड़ी हुई है, जैसे कि ये देख सकते हो ये पिच है, तो इस पिच से बहुत कुछ यादें मेरी जुड़ी हुई है, जैसे कि मैं फुटबॉल खेलता था यहाँ पे, क्रिकेट खेलता था, नून तेल खेलता था, और एक पैसा वाले गुच्चू वाला बोलते हो तो वो भी खेलता था मैं। तो काफ़ी हम तो आज समय अकेले हैं, मेरे दोस्त भी उस समय रहते थे और साथ में ही खेलता था बहुत ज़्यादा। कभी कभी इसमें अगर गेंद चली जाती थी ना, तो वो जो बुड्ढी है, बुड्ढी अभी भी है, कभी कभी बहुत ज़्यादा चिल्लाने लगती थी यार, तो बहुत ज़्यादा मैं डरता था उस समय, तो उधर उधर से भाग के किसी तरह तो मैं गेंद निकाल लेता था। और कहने का मतलब यही है गाइस, काफ़ी मेरा मैं गया था, बड़ोदरा गया हूँ, शिमोगा गया हूँ, और मैंगलोर गया हूँ, मतलब 4-5 सिटी जो ऐसा है कि जो जाने के लायक है, अच्छा जगह है, तो उस पर मैं वीडियो विजिट करके मैं वीडियो बना के डाल भी चुका हूँ। तो ये सब तो अभी गाइस बहुत जल्दी ये सब घर वर बना भी जाता था, 2-3 साल हुआ है। तो कहने का मतलब ये है कि उस पर मैं वीडियो बना के डाल चुका हूँ, तो आप सब जाके उसको देखो। और कहने का मतलब ये मेरा गाँव का पहला एक वीडियो है, जो कि मुझे मतलब गाँव से मतलब बहुत कुछ यादें जुड़ी हैं। अभी आप ये देख सकते हो हमारे पीछे, ये हमारे घर का है, अब इसमें 1-2-3 जो इतना है, इतना हाथ अब ये समझ लो, इतना घर में से मेरा एक घर है। अब इस घर में से आप कोई भी मतलब एक मेरा ही रख लो कि एक मेरा है तो सब अपने परिवार का ही है, मतलब हमारे बड़े मम्मी का है, बड़े पापा का है, तो सब अपने परिवार का ही है वो घर। और जो कि उस एक घर है उसमें का एक मेरा भी है, छोटा सा है। तो अब आप कभी अगर आएंगे तो कभी अगर आप आएंगे तो यहाँ पे आ जाइएगा, कटरा करके नाम है, अयोध्या के बगल में पड़ता है, तो ये चीज़ पहचान लीजिए। और कहने का मतलब ये गाइस कि ज़्यादा लंबा हो जाएगी वीडियो, और हो भी गई है, 3 मिनट की वीडियो हो भी गई है। अब मिलते हैं फिर कहीं और नेक्स्ट ब्लॉग में, तब तक के लिए बाय, जय हिंद, जय भारत, जय श्रीराम। और आप सभी को एक बार और बताता हूँ कि काफ़ी मेरा वीडियो आप सब जाके एक बार विजिट करें, एक बार देखें, फिर जो है अगर चैनल अगर आप सभी को पसंद आए तो फिर जो है चैनल को आप सब सब्सक्राइब कर लीजिएगा, और उसके आगे तो आप सब तो जानते ही हो, समझते भी हो। तो मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में, तब तक के लिए बाय, जय हिंद, जय भारत, जय श्री राम।